Hey fam, welcome back to the 10 star. सो वी आर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। भाई ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो है हमारे आदित्य योगीनाथ जी के ऊपर। एंड वो हमें पता है भाई कितने पावरफुल हैं। मतलब उनका सिस्टम ये रहता है, नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर वाले से मेल, ऐसा वाला सीन टिकट है। सीधा टिकट कटती है, जो बदमाशी करेगा उसकी टिकट कटती है। तो मज़ा आएगा वीडियो एंड तक देखना। लेट्स बिगिन और देखते हैं वीडियो कैसी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि घरवालों को जब ये बोलते थे ना कि भाई यूपी में घुस गई, टेंशन हो जाती थी। फोन करते रहते थे घरवाले कि बेटा कहाँ पहुंचा, बेटा कहाँ पे पहुंचा। यूपी जब पार हो जाती थी ना, जब उनको ये हो जाता था कि हाँ भाई अब हमारा बच्चा सेफ है। लेकिन आज के टाइम घरवाले ये पूछ रहे, बेटा यूपी पहुंच गया, यूपी पहुंच गया, अभी मत निकले यूपी से, यूपी में आराम था भाई, बेसरात में चलियो। आज के टाइम पे मेरे भाई वास्ती थी फिकर, योगी जी या तो टेंशन भरी। घर वाले ननु मेरा बाबा बैठा है, बोला बाबा तो बाद में देखेगा, बोले बाबा तो एक नीचे है और हमारे ऊपर एक बाबा योगी बाबा और बैठा भाई, मारता हमारी सुरक्षा था। ऊपर महादेव है जो पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, और यहाँ पे हमारे योगी आदित्यनाथ है जो हमारे सनातन की और हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है, 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना, मैंने क्या कहा, एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यासी, हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है, शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है, एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा। क्या नाम है आपका? जी आर सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले सर? मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ? योगी के प्रदेश। योगी जी के प्रदेश। योगी जी के प्रदेश। ये बोल रहे हैं ना कि वो मुसलमानों को देके टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया जी, हम भी तो मुसलमान है, हम भी तो मुसलमान है भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत तो रहा जो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी नहीं चल रही। पहले लूटा मारी करते थे, छीना झपटी करते थे, प्लॉटों पे कब्जे करते थे, अब नहीं होता, बाबा जी का बिल्डोजर खड़ा है। मिस्टर बॉम्बास्टिक बॉम्बा फंटास्टा कोनेट पास मिस मिसेस ओमेप फ्रॉम गास्टा रिफोट मानो क्लारो गोर चोको गास्टा। अभी तो मोदी से ये हाल है। अरे योगी आ गया, पता ऐसे हो जाएगा क्या? देखो यही लाल किले में योगी आदित्यनाथ कह रहा होगा कि मैं प्रभु श्री राम की शपथ लेता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बन के रहेगा। मैं आदित्यनाथ योगी फुल पावर। यहाँ दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कावड़ यात्रा में। पहले कावड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आपने ये आप बाघ को टाइगर को दूध पिला रहे, टाइगर जैसा साहस जिसने होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। और
तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, ये दिसंबर 2016 की है। वो कानपुर से चुनाव लड़ रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया था। अतीक के काफिले में 8-10 गाड़ी नहीं थी बॉस, 1500 गाड़ी। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और एक बड़ी खबर आ रही है। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अरबाज इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है। A sensational encounter this morning. Former MP and gangster Atiq Ahmed's son Asad was killed in an encounter by the UP police in Jhansi. यहाँ पर आपको बैरिकेटिंग फिलहाल नजर आएगी, लेकिन इस वक्त भी बहुत बड़ी खबर है, अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा ले। मतलब भाई उत्तर प्रदेश में तो भाई योगी जी का भाई मतलब तहलका है फुल एंड। मतलब मुझे बहुत सही लगता है कि यार ये नहीं कि भाई हाँ बहुत अरे कितनी चीजें सही हो गई है, इम्प्रूवमेंट आई है। ट्रू ट्रू। और मतलब जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, ये नहीं कि उनको भाई बिठा के खिला पिला रहे हैं मजे से, भाई फैसला ऑन द स्पॉट वाला सीन है, चाहे गाड़ियां पलट रही हैं, जो मर्जी हो रहा है, बस फैसला होने से मतलब हमें। बट बहुत बढ़िया वीडियो, आई एंजॉयड इट। एंड इसके और पार्ट्स भी ले आएंगे अगर आप बोलोगे तो। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो देखने मजा आया तो मेक श्योर यू गिव अस अ थम्स अप एंड Just remember one thing, you have to grind to shine. Take care. Bye-bye.